हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आईएसपीसीएस पॉसिबली आईपीपी। आई एम प्रेम कुमार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी प्री का जो एग्जाम्स हुआ है उसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा उसको डिस्कस करेंगे, क्यों लो जाएगा 68 से, और ये प्रीवियस ईयर के बेस्ट पे एनालिसिस पे बेस्ड है। और यहाँ पे एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है इसी के आसपास रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो लाइक करेंगे इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए, जो 68 बीपीएससी का कटअप था 91 था आपको जनरल का, तो क्या हुआ था कि उस समय ये उसके पहले 67 पे 113 गया था कटअप, तो इस समय तो ऑनलाइनर क्वेश्चन आता था और निगेटिव में ही था, इस समय 1/4 निगेटिव आ गया था, इस बार तो 1/3 निगेटिव है। आप समझिए, यहाँ पे आपको एक और तलवार ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो 91 से भी लेस रहेगा। और देखिए, यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, तो जनरल का कटअप मुझे जहाँ तक अंदाज लग रहा है, एक एक्सपेक्टेशन 85 के आसपास रहेगा, इससे कम ही रहेगा। ठीक है, 85 आप लोग लिख सकते हैं, तो इसके आसपास नंबर है, तो मेंस का तैयारी में लग गए हैं। और मेंस के लिए अगर देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक्स मिल जाएगा, आपको किस तरह का प्रिपरेशन करना है, आईआर का एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वो मिल जाएगा। और 17 बीपीएससी पीटी का अगर तैयारी करना चाहते हैं उसका भी कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। स्प्रिंटो सिविलियन चैनल है मेरा, वहाँ पर आपको ये सारा चीज़ डाला हुआ है। इस चैनल पर हम लोग थोड़ा सा अभी कम वर्क कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आप लोग विजिट कर सकते हैं या कमेंट में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, अब 85 प्लस आसपास, दो तीन प्लस माइनस आप लेकर चल सकते हैं नंबर, ये 83 से 85 पार नहीं करेगा, माइनस में ही लेकर चल सकते हैं आप लोग। ई डब्ल्यू एस का देखिए 87.25 गया था, ये आपको कब का बात है, ये आपको 68 का बात है। और देखिए, ये इस बार जाएगा मेरा जहाँ तक अनुमान है, तो आप 5 मार्च इसको भी घटा लीजिए, तो 80 के आसपास जाएगा ईलो का, ई डब्ल्यू एस का। ठीक है, ई डब्ल्यू एस का 80, और ओबीसी का भी, बीसी का भी 80 ही जाएगा, दोनों का 80 80। ईबीसी में अगर देखिएगा दोस्तों, तो ये एक मार्क कम कर सकते हैं आप लोग, 79 के आसपास इनका देख सकते हैं। ठीक है, और अगर एसटी एससी का देखिएगा, एससी का तो यहाँ पे आपको गया था 79 पिछले बार गया था, तो 79 गया था, तो इसमें आप देख सकते हैं लगभग कितने का डिफरेंस है, देख लीजिए, ये 80 के आसपास मान सकते हैं, तो 11 नंबर का अंतर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 के आसपास एससी का कटअप आपको देखने को मिल सकता है, एससी का 75 के आसपास, और एसटी का आपको तो उससे भी कम रहेगा 5 मार्क, तो 70 के आसपास आप देख सकते हैं एसटी का कटअप। तो ये रहा मेल का, फीमेल का अगर देखना चाहिएगा तो आप 6 मार्क्स के आसपास कम कर सकते हैं सभी में। ठीक है, और आपको एससी में फीमेल में और एसटी फीमेल में 10-10 मार्क्स कम कर सकते हैं फीमेल वाले में, तो ये 60 के आसपास और ये 65 के आसपास। तो जो आपको एसटी का था, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स कम करिए। ठीक है, और ईबीसी में भी 10 मार्क्स का आप फीमेल का कम कर सकते हैं, तो इनका 70 पे हो जाएगा फीमेल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीसी वाले में आपको 6-7 मार्क्स कम कर सकते हैं, ये लोग का आपको रहेगा 74 के आसपास फीमेल का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। और आपको यूआर में रहेगा ऑलमोस्ट आपको 79 आप देख सकते हैं, या 79 या 78 के आसपास फीमेल का रहेगा। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कटअप जो हम लोग के एनालिसिस पे लगा, वो हम लोगों ने बता दिया। और आप अगर मेंस का वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह से प्रिपरेशन करना है, तो एक्सपेक्टेड जैसे हम लोगों ने इंटरव्यू का टॉपिक डाला था ना, जैसे कि मणिपुर वायलेंस, नू वायलेंस, आदित्य अलोन, चंद्रयान 3 हो गया, आपको दिल्ली फ्लॉट, G20 में क्या क्या हुआ है, आपको ये सारा टॉपिक जो हम लोगों ने डाला था वो सारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयारी करिए 80 के आसपास अगर मार्क्स बन रहा हो तो। अभी ऑफिशियल आंसर की 1-2 दिन में आ जाएगा, पिछले बार 8-6 दिन के अंदर में आया था, इस बार भी आने का उम्मीद है कल या परसों, तो आप लोग चेक करके अपना मेंस में लग जाइए। और अगर प्री नहीं लगना चाहिए, अभी तो मेंस कहीं करिए फिर प्री का करिएगा, अगर अदर कोई एग्जाम हो झारखंड सीजीएल या कोई भी दूसरा इंजीनियरिंग का या कोई भी बैकअप, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये टॉपिक्स वाला वीडियो अगर 17 का तैयारी करें तो देख सकते हैं किस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।